जंगल के किनारे माँ काली का एक प्राचीन मंदिर था। दिन के समय वहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, पर शाम के समय मंदिर के पंडित जी मंदिर के द्वार पर ताला लगाकर पड़ोस के गांव में बने अपने घर चले जाते थे। एक दिन पंडित जी जब शाम की पूजा करके मंदिर का द्वार बंद करके घर जाने की तैयारी में थे, तभी वहाँ एक आदमी आ पहुँचा। जय माँ काली पंडित जी, बस 2 मिनट अगर आप कहें तो मैं माँ काली के दर्शन कर लूँ। कर लो बेटा, पर जल्दी करना, शाम के समय जंगल के आसपास चोर उचक्के घूमते हैं, इसलिए मैं भी इस समय तक गांव लौट जाता हूँ। बस हो गया पंडित जी, माँ काली के दर्शन करके धन्य हो गया, अच्छा मैं चलता हूँ। वास्तव में वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उसी जंगल के नजदीक बने एक दूसरे गांव में रहने वाला राजू नाम का चोर था। राजू कई दिनों से माँ काली के मंदिर में चोरी करने के बारे में सोच रहा था। आज पंडित जी के जाने के बाद वो मंदिर का ताला तोड़कर माँ काली के मंदिर में लगा सोने का घंटा चुरा लेता है। हे माँ काली, आप तो जानती हो चोरी करना मेरे लिए कितना जरूरी है, अगर मैंने चोरी नहीं की तो घर पर मेरी पत्नी और दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे। कई दिनों से मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जला है, इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं आपके मंदिर से यह सोने का घंटा चुरा कर ले जा रहा हूँ। राजू मंदिर में से घंटा चोरी करके मंदिर के बाहर आ जाता है, पर अचानक उसके दिल में एक आवाज उठती है। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा, पता नहीं आज मंदिर में चोरी करते हुए मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैंने कई बार बहुत से घरों में अमीर सेठ और पैसे वाले लोगों के घर में चोरी की है, पर कभी मेरा मन नहीं घबराया। आज ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ काली मुझे कुछ कहना चाह रही हो। मैं ये घंटा चोरी नहीं कर सकता, काली माँ मुझे क्षमा करना, मैं आपके मंदिर में चोरी करने आया तो था, पर आपके दर्शन करके मेरा मन बदल गया। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा, पर देवी मैया मैं बहुत गरीब हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण सिर्फ इस चोरी के रुपयों से ही करता आया हूँ, मेरी सहायता करना माँ, मैं दोबारा अपना रास्ता भटक न जाऊं। जय काली मैया। राजू ने काली माता के मंदिर से वो घंटा नहीं चुराया, वो खाली हाथ ही घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आपको लगता है माँ काली हमारी मदद करेंगी? हाँ सुनीता, मैं जानता हूँ माँ काली बहुत शक्तिशाली है, अगर उन्होंने मेरा हृदय परिवर्तन करके मेरी दिशा बदली है तो वो मेरी दशा भी अवश्य बदल देंगी, मुझे उन पर विश्वास है। कहते हैं भगवान पर विश्वास ही भक्तों को हर मुसीबत में लड़ने की हिम्मत देता है। कुछ दिन तक राजू, उसकी पत्नी और बच्चे सब भूखे सोते रहे। गांव के नजदीक एक नगर में सेठ मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे, वे भी माँ काली के परम भक्त थे। एक रात सेठ मनोहर लाल जब गहरी निद्रा में सो रहे थे, तब माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए। माँ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहती हूँ। पास के गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता है, तुम्हें उसके पास जाना है और उसकी मदद करनी है, ताकि वो मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जो आज्ञा माँ। इतना कहते ही माँ काली अंतर ध्यान हो गई। अगले दिन सेठ मनोहर लाल राजू के घर का पता पूछते हुए उसके घर पहुंचता है। राजू, मुझे घर पर काम के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, क्या तुम मेरे घर पर काम करोगे? मैं आपको जानता नहीं सेठ जी, आपको किसने भेजा है? राजू, मैं जानता हूँ तुम माँ काली के भक्त हो, वैसे ही मैं भी माँ काली का भक्त हूँ, समझ लो उन्हीं की आज्ञा से मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राजू समझ जाता है कि हो ना हो माँ काली ने उसकी मदद के लिए सेठ मनोहर लाल को उसके पास भेजा है। सेठ मनोहर लाल राजू के हाथ में खर्चे के लिए कुछ रुपए देते हैं। उसके पश्चात अगले दिन राजू सेठ जी के घर काम पर लग जाता है। राजू सेठ और सेठानी की खूब सेवा करता था, सेठ जी के कोई संतान नहीं थी, सेठ जी और सेठानी दोनों इस दुनिया में अकेले थे। एक बार सेठानी बहुत बीमार पड़ गई, तब राजू ने उनकी बहुत सेवा की। राजू बेटा, तुमने बीमारी के दिनों में मेरी बहुत सेवा की है, बिल्कुल मेरे अपने बच्चे की तरह, तुम्हारे आने से सचमुच हमें बहुत आराम मिल गया है। माँ जी, आपने और सेठ जी ने भी तो मुझ गरीब पर इतने उपकार किए हैं, उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं। राजू को सेठ जी के घर काम करते हुए एक साल बीत जाता है। सेठानी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी,
एक दिन वो सेठ जी से बोली, सुनो जी, मेरा अब कोई भरोसा नहीं है कि मैं इस दुनिया से कब चली जाऊं, पर मैं इतना जानती हूं कि मेरे जाने के बाद राजू आपका पूरा ख्याल रखेगा। मेरी इच्छा है कि हम राजू को अपनी जायदाद का वारिस बना दें। वो तो ठीक है, पर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर वक्त को कुछ और मंजूर था। सेठानी दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद सेठ जी उदास रहने लगे, इसलिए राजू कभी कभी अपने दोनों बच्चों को सेठ जी के पास खेलने के लिए ले आता था। बच्चे सारा दिन सेठ जी के साथ खेलते थे। पिंकी बिटिया, बंटी बेटा, देखो मैंने तुम दोनों के लिए कितने सारे खिलौने मंगवाए हैं। सेठ जी, ये दोनों बहुत शैतान हो गए हैं। आप इनके लिए रोजाना कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं और ये दोनों आपको परेशान करते हैं। चलो बच्चों, अब घर चलो। नहीं बापू, हमें दादाजी के साथ और खेलना है। मुझे भी बापू दादा के साथ खेलना है। बच्चों की मीठी मीठी और कोमल बातें सुनकर सेठ जी की आंखें भर आती हैं और वो राजू से कहते हैं, राजू, तुम सबका साथ पाकर मेरा परिवार पूरा हो गया। सेठानी की इच्छा थी कि हमारी जायदाद के वारिस तुम बनो, और आज मैं सेठानी की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। जब तक मेरी जिंदगी के दिन बचे हैं, मैं तुम सबके साथ गुजारना चाहता हूँ। अब से तुम कानूनन मेरे बेटे बनकर इस घर में रहोगे। मैंने वकील साहब को बुलवाकर सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है बेटा। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपका इतना प्यार पाकर मुझे सब कुछ मिल गया। माँ काली ने आपसे मिलवाकर मेरे जीवन में ढेरों खुशियां दे दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए सेठ जी। बेटा, मैं नहीं चाहता कि सेठानी की इच्छा अधूरी रह जाए। क्या तुम सेठानी को अपनी माँ नहीं मानते थे? सेठ जी की बातें सुनकर राजू रो पड़ता है। अब राजू अपने परिवार के साथ सेठ जी का बेटा बनकर उनके घर में ही रहने लगा। जिंदगी के आखिरी वक्त में सेठ जी ने बेटा बहू और पोते पोती का सुख देख लिया और इस दुनिया से चले गए। राजू एक बेटे की तरह सेठ जी का अंतिम संस्कार करता है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से राजू एक चोर से एक अच्छा इंसान बन गया और आज माँ काली की कृपा से उसकी दिशा और दशा दोनों बदल चुकी थी। देवी दुर्गा ने दैत्यों के संहार के लिए कई अवतार लिए हैं। उदाहरण के तौर पर महिषासुर, धूम्र विलोचन, शुंभ निशुंभ जैसे कई दैत्यों का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अवतार लिए हैं। इन्हीं में से एक दैत्य था रक्तबीज, जो महाशक्तिशाली था। पुराणों के अनुसार रक्तबीज नामक दैत्य ने लगभग 5 लाख वर्षों तक तप किया और ब्रह्मा जी की स्तुति की। रक्तबीज की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और रक्तबीज के सामने प्रकट हुए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो क्या चाहिए? ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हिरण्यकश्यप की तरह देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि युद्ध में अगर तुम्हारे शरीर से एक भी रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी तो उससे नया रक्त बीज जन्म ले लेगा तथा किसी के लिए भी तुम पर विजय पाना असंभव होगा। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रक्त बीज अहंकार में चूर हो गया। उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। मैं अमर हूँ, अब मुझे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। अब स्वर्ग लोक पर मेरा यानी असुरों का राज होगा। मैं इंद्र को चुनौती देता हूँ, अगर साहस है तो मेरे से युद्ध करे, नहीं तो स्वर्ग लोक से भागकर कहीं मुंह छिपाकर छुप जाए। क्या रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा है? हमें उससे युद्ध करना होगा। राक्षस और देवताओं में युद्ध होने लगा। वरदान मिलने के कारण रक्तबीज और भी शक्तिशाली हो गया था। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप रक्तबीज का संहार किसी पुरुष के हाथों नहीं हो सकता, उसका वध केवल एक स्त्री ही कर सकती है। आपको भगवती दुर्गा की स्तुति करनी चाहिए, उन्होंने अनेकों राक्षसों का वध किया है। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि नारद, हम सब देवी दुर्गा की स्तुति करते हैं। अब इस संकट से वही हमें पार लगा सकती हैं।
और सभी देवता देवी दुर्गा का ध्यान करते हैं और देवी दुर्गा वहाँ प्रकट होती है। देवी भगवती, हमें रक्त बीज नामक राक्षस से मुक्ति केवल आप ही दिला सकती हैं। हमारी सहायता कीजिए माँ। आप सभी निश्चिंत रहिए, रक्त बीज नामक दैत्य का संहार अवश्य होगा, उसे उसके पापों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। देवताओं को आश्वासन देकर माँ दुर्गा ने रक्त बीज को युद्ध के लिए ललकारा। तू एक साधारण अबला स्त्री मुझे युद्ध के लिए ललकार रही है? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रक्त बीज, अब तेरी मृत्यु निश्चित है, मेरे हाथों से तू नहीं बच पाएगा। अच्छा, तू मेरा वध करेगी? देखता हूँ ये कैसे संभव होता है। माँ दुर्गा और रक्त बीज के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है। माँ दुर्गा के वार से रक्त बीज घायल होता तो रक्त की बूंद धरती पर गिरने से ढेरों रक्त बीज पैदा हो जाते। एक रक्त बीज मरता तो दूसरा सामने आ जाता। माँ दुर्गा उसके अंग काटती तो धरती पर रक्त की बूंदें गिरकर फिर से रक्त बीज सामने आ जाता। ये सब क्या हो रहा है? ये रक्त बीज मारा क्यों नहीं जा रहा? नारायण नारायण माते, रक्त बीज का वध करने के लिए रक्त बीज के रक्त को पीना होगा ताकि वो धरती पर ना गिरे। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार रक्त बीज का रक्त पृथ्वी पर गिरते ही अनेकों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। इसका संहार करने के लिए ऐसा कुछ करना होगा ताकि रक्त बीज का रक्त पृथ्वी पर ना गिरे। अच्छा, तो ये बात है। देवर्षि नारद, इसके लिए मुझे चंडिका को बुलाना होगा। देवी पार्वती को माँ काली का रूप धरना होगा ताकि वो इस दानव का रक्त पान कर सके। तत्पश्चात मैं इस राक्षस का संहार करूँगी। इसके लिए तो देवताओं को देवी पार्वती से विनती करनी होगी कि वो माँ काली का अवतार लेकर इस दानव का विनाश करें। सभी देवता माँ पार्वती का आह्वान करने लगे। देवी पार्वती देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। देवी पार्वती, आपको काली रूप धरना होगा ताकि जब भी मैं इस राक्षस पर प्रहार करूं, आप इसका रक्त खप्पर में लेकर रक्त पान करो। आप चिंता मत करो देवी दुर्गा, मैं इस दानव के रक्त की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरने दूंगी। देखते ही देखते माँ पार्वती ने काली का रूप धर लिया, जिन्हें देख दानव तो क्या देवता भी थर थर कांपने लगे और उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़े रहे। माँ काली ने दैत्यों का गिरता रक्त पीना शुरू कर दिया, इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो रहा था। माँ काली ने अपना मुंह विकराल कर लिया, उन्होंने कई राक्षसों को निगल लिया। माँ काली का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। सब दैत्य मारे जा चुके थे, केवल रक्त बीज का वध होना ही बाकी था। देवी दुर्गा की जय, देवी काली की जय। हे काली के, रक्त बीज का वध तभी होगा जब इसके शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाएगा। आपको रक्त बीज के रक्त का रक्त पान करना होगा और ध्यान रहे कि रक्त बीज के रक्त की एक बूंद भी धरती पर ना गिरने पाए। ऐसा ही होगा देवी दुर्गा। देवी दुर्गा और रक्त बीज में युद्ध होने लगता है। रक्त बीज देवी दुर्गा के प्रहार से बच रहा था। देवी दुर्गा ने रक्त बीज की भुजाओं पर वार किया। माँ काली ने रक्त को खप्पर में ले लिया और रक्तपान किया। देवी दुर्गा ने रक्त बीज के सिर को काट कर धड़ से अलग कर दिया और खप्पर में रख दिया। माँ काली ने सारा रक्त पी लिया। हे काली के, आपकी मुंड माला के लिए मैं रक्त बीज का ये मुंड आपको भेंट करती हूँ। मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए। मुझे रक्त दो, मुझे दानवों के मुंड दो। हे शिवा, हे काली के, रक्त बीज का वध हो चुका है, अपना क्रोध शांत करो देवी काली। मुझे दानवों का रक्त दो, मुझे दानवों का मुंड दो। मुझे दानवों का रक्त दो, मुझे दानवों का मुंड दो। काली के को रोकने का बेकी उपाय है, भगवान शिव वही काली के क्रोध को शांत कर सकते हैं। देवाधिदेव महादेव, माँ काली का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, उन्हें रोका न गया तो उनके क्रोध से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो। मुझे रक्त चाहिए, मुझे मुंड दो। मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो। देवी काली का क्रोध आक्रामक हो गया था। देवी काली क्रोध की अग्नि में बढ़ती जा रही थी, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। अचानक भगवान शिव धरती पर लेट जाते हैं और देवी काली का पैर उनके ऊपर पड़ जाता है और भगवान शिव को अपने चरणों में पड़ा देख देवी काली की जीभ बाहर आ जाती है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। महादेव, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने क्रोध में आपकी ओर देखा नहीं। उसके पश्चात सभी देवी देवता भगवान शंकर और माता पार्वती पर फूलों की वर्षा करते हैं।